दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बार फिर से रोमिनराज वज्राचार्य ने अदृश्य होने की साधना के संबंध में बताने की कोशिश की है और साथ ही साथ जो उन्होंने साधना बताई है उसके बारे में भी मैं आपको बाद में अच्छी तरह से बताऊंगा कि कहां पर कुछ कमियां हैं जो शायद उन्होंने जिस किताब से पढ़ा होगा, जहां से उन्होंने लेके आए हैं, वो थोड़ी सी कमी उसमें रह गई है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि इन्होंने क्या बताया है और फिर उस कमियों को दूर किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार गुरुजी, मैं रोमिनराज वज्राचार्य एक बार फिर से एक नया साधना और एक नई जानकारी लेके हाजिर हुआ हूँ। गुरुजी सूरज जी को और धर्म रहस्य देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये जो साधना और जानकारी है ये मैं रोमिनराज वज्राचार्य धर्म रहस्य चैनल को 5 नवंबर 2019 को भेज रहा हूँ, धर्म रहस्य चैनल को भी भेज रहा हूँ और इस साधना और जानकारी को कहीं और पब्लिश नहीं किया जाएगा, न ही कहीं से पब्लिश किया गया है। मैं विराट नगर सिटी से बोल रहा हूँ और मेरा नाम है यानी कि है रोमिनराज वज्राचार्य। और इस जो चैनल पे जो प्रकाशित किए गए या साइट प्रसारित किया जाएगा उसकी गारंटी मैं लेता हूँ यानी कि इसकी जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ। गुरुजी आज मैं जो साधना शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अद्भुत और बेहद चमत्कारी साधना है क्योंकि आज मैं अदृश्य होने की साधना शेयर कर रहा हूँ और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस साधना को कोई भी आसानी से कर सकता है। इस साधना को अदृश्य सिद्धि तंत्र भी कहा जाता है और जो भी साधक इस साधना को सिद्ध करता है वह अदृश्य होकर कहीं भी विचरण कर सकता है और कोई भी उसे देख नहीं सकता, लेकिन वो सबको देख सकता है, इसलिए ये साधना बहुत ही अच्छी साधना है। अदृश्य होने किसको पसंद नहीं होता है क्योंकि जो व्यक्ति अदृश्य हो जाता है उसको कोई नहीं देख पाता है, लेकिन वो सबको देख सकता है। ये अदृश्य होने की जो शक्ति है ये हर किसी के ड्रीम पावर होता है यानी कि ये शक्ति प्राप्त करना हर किसी की एक सपने की तरह है और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, किसी का भी ज्ञान और किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। और यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि वो अदृश्य रूप में सब कुछ कर सकता है और किसी को भी पता नहीं चलेगा, इसलिए हर किसी का सपना है कि अदृश्य या गायब होने की शक्ति या सिद्धि प्राप्त करना। इस शक्ति मदद से साधक गुप्त से गुप्त बातों का पता कर सकता है, जानकारी ले सकता है, किसी भी पावरफुल व्यक्ति जैसे किसी पॉलिटिशियन यानी कि राजनीतिज्ञ, टेररिस्ट की जानकारी, आतंकवादी, गैंगस्टर, डॉन, इंजीनियर, डॉक्टर, कॉन्ट्रैक्टर, एक्टर जैसा व्यक्ति के घर में बड़े आराम से जाकर उनकी सारी गुप्त बातों का रहस्यों को जान सकता है। और अगर किसी शक्ति या किसी सिद्धि साधक कम से कम दिन में प्राप्त कर सके तो यह उसके लिए वरदान जैसा ही होता है। तो इस साधना को करने के लिए साधक को कोई सिद्ध पुरुष या उच्च कोटि का साधक बनने की आवश्यकता नहीं है। इस साधना का जो प्रोसेस है, इस साधना में जो विधि है वो बहुत ही आसान है और साधना को ज़्यादा तैयारी करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इस साधना को लड़का या लड़की कोई भी कर सकता है। तो ओके गुरुजी, बिना किसी टाइम वेस्ट के अब मैं सीधे साधना विधि पर आता हूँ। अदृश्य होने की साधना की विधि कुछ इस प्रकार से है। पहली बात, अदृश्य होने की साधना को किसी भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से शुरू किया जा सकता है। ये साधना सिर्फ रात को किया जाता है। इस साधना को शमशान या किसी शिव मंदिर में किया जा सकता है, लेकिन अगर यह संभव नहीं है तो साधक इस साधना को अपने घर में भी एकांत और गुप्त कमरे में कर सकता है। साधक को इस प्रकार का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब तक साधना चलेगी तब तक उस कमरे में कोई और व्यक्ति का प्रवेश ना करे। ये साधना कुल 14 दिन की होती है। साधक को इस साधना को करने के लिए कुछ विशेष साधना सामग्री की जरूरत होती है। इन सामग्रियों के बिना ये साधना नहीं किया जा सकता। साधक को ये सारी सामग्री पहले पूर्ण रूप से तैयार कर रखना चाहिए। साधक को इस साधना में जिन सामग्रियों की आवश्यकता है उनके बारे में मैं विस्तार से बता रहा हूँ। साधक को आसुरी मंत्र से युक्त अदृश्य यंत्र को अपने सामने रखना है और ये भी अदृश्य यंत्र है, ये कुछ विशेष मंत्रों से सिद्ध किया जाता होगा और ये होना भी चाहिए यानी कि पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। उसके साथ साथ साधक को 2 गोमती चक्र, 1 सियार सिंगी भी अपने सामने रखना है।
मंत्र का जाप रोज 101 बार करना है और लगातार 14 दिन तक करना है। मंत्र का जाप हकीक माला से किया जाता है और वह भी एक संस्कारिक काली हकीक की माला होनी चाहिए। 14 दिन की साधना खत्म होने के बाद साधक को 2 गोमती चक्र, 1 सियार सिंगी जो प्रयोग किया गया है उसको अपने पूजा रूम में एक सुरक्षित स्थान पर रखना है और इस अदृश्य यंत्र को अपने दाई भुजा यानी कि राइट हैंड में बांधा है। राइट हैंड यानी कि ऊपर का जो पार्ट होता है बाजू का वहां पर बांधना है। उसके बाद भी जब भी साधक अदृश्य होना चाहता है तब साधक को इस नीचे दिए गए मंत्र को 11 बार बोलना है और अदृश्य यंत्र स्पर्श करना है, जो अदृश्य यंत्र है उसको छू लेना है और साधक उस वक्त अदृश्य हो जाता है यानी कि गायब हो जाएगा। और जब तक अदृश्य यंत्र साधक के बाजू में बंधा रहेगा तब तक सादृश्य जो है अदृश्य हो जाएगा और अदृश्य रहेगा और किसी को भी दिखाई नहीं देगा। और जैसे ही साधक इस अदृश्य यंत्र को अपने हाथ में यानी कि अपने बाजू से निकालेगा फिर वो उससे दृष्टिगत होने लगेगा यानी कि सबको दिखाई देने लगेगा। ये एक सिद्ध साधना है और जो भी इस साधना का पाय कर पाएगा वो वास्तव में सौभाग्यशाली साधक होगा। और इस साधना का मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम ह्रीम फट फट काली काली महाकाली मास शोणित भोजने रक्त कृष्ण मुखे देवी माँ पश्यतु मनुष्य इति हुम फट स्वाहा। ओके गुरु जी, तो ये पोस्ट अब इसी प्रकार खत्म होता है। अगर आपको ये पोस्ट अच्छा लगे तो और भी पसंद आए तो इस पोस्ट को एक बार वीडियो जरूर बनाइए और पोस्ट को पोस्ट कर दीजिएगा। हनुमान जी और राम भगवान रंग सबका कल्याण करें। जय श्री राम, जय महावीर हनुमान। तो देखिए ये तो जिन्होंने जो विधि बताई है किसी किस किताब से पढ़ के बताई है पता नहीं, और उसमें भी आधी अधूरी बात है कि अदृश्य जो यंत्र की बात कही गई है इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इन चीज़ों के लिए तो कि इसमें काफ़ी कुछ छूटा हुआ है और ज़्यादातर भ्रम में डालने वाली जैसी बात कही गई। जैसे पहली भ्रम बात की है जो है इसमें कि 11 बार बोलने से मंत्र रोज जाप करना है, 101 बार रोज जाप पढ़ना है, 14 दिन तक करना है, ऐसा नहीं होता है। पहली बात जो मंत्र है लगभग इसी से मिलता जुलता है। मंत्र इस तरह से है, ओम फुट हुम फट काली काली माँ शीणित खादय खादय देवी माँ बश्यतु मनुष्य हितिम हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का लगभग आपको 41 दिन का जो है इसका अनुष्ठान करना होता है। यहाँ पर इन्होंने जो बताया है 14 दिन का, ऐसा नहीं है, ये 41 दिनों का और ये सिर्फ और सिर्फ शमशान में ही किया है जाना चाहिए और या फिर भगवान शिव के मंदिर में, आप एकांत शिव मंदिर हो जो अब पूजा ना होती हो जहाँ पे वहाँ पर किया जा सकता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। मैं ग्रंथों से ही पढ़ के बता रहा हूँ आपको, ग्रंथ का नाम मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि लोग फिर उसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, दौड़ने लगते हैं। तो इन्होंने जहाँ से लिया है साधना किसी पुस्तक से ली होगी, उन्होंने इस ग्रंथ से पढ़ के बनाई होगी केवल किताब बेचने के लिए, तो ये गलत है। हालांकि कुछ कुछ बातें ठीक लिखी, जैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी साधना शुरू करनी है, रात को करनी है साधना। इसके लिए आपके लिए जो चीज़ें होती हैं वो इस तरह से होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो इसको की जो मंत्र दीक्षा है वो किसी गुरु से लेनी चाहिए। अगर उस गुरु ने मंत्र जप नहीं किया है तो फिर आप स्वयं भी मंत्र जाप करेंगे तो आपको सिद्धि नहीं मिलने वाली। तो ये जिस मंत्र को जिस गुरु ने सिद्ध किया हो उसी से उसके गुरुमुख से दीक्षा लेगी। पहली बात तो इसकी ये होती है। दूसरी ये होती है कि इसका 100,000 की संख्या में जप आपको कर लेना होता है और ये आपको इस 100,000 जप करके पहले मंत्र सिद्ध कर लेना है 41 दिनों में अनुष्ठान करके। कुछ लोग इसे कम दिनों में भी कर लेते हैं, 31 दिनों में भी कर सकते हैं, कुछ लोग 14 दिन में भी कर सकते हैं। तो ये आपकी सामर्थ्य पे है आप कितना रात जो जाप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप आग, सेमल, कपास, रेशम, कमलनाल इन पांचों की बत्ती बनाकर 5 मनुष्यों की खोपड़ियों में रख के जो है उसमें मनुष्य की चर्बी का तेल भर करके 5 दीपकों को जला करके शिवालय या फिर जो शमशान है वहाँ पर जलाकर रखना पड़ता है। उस पर बैठ कर के आपको ये बात सामने बैठ कर के इस तरह से साधना पहले से की जाती है और फिर इस प्रयोग को किया जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि माँ जो 5 मनुष्य हों वो अलग अलग जो है शक्तिशाली तांत्रिक मनुष्य रहे हों, उनकी ही 5 खोपड़ियाँ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी भी मनुष्य की खोपड़ी उठा करके ले आए। इसके बाद जो है आप क्या करेंगे कि जब ये जो आप खोपड़ियाँ जलाएंगे इसमें से जो निकलेगा काजल, उस काजल को आपको एक जगह इकट्ठा कर लेना है। फिर 5 खोपड़ियों का जो काजल है वो एकत्र करके उसको अभिमंत्रित करना है 108 बार इसी मंत्र से। फिर उसे अपनी आंखों में आपको लगा लेना है। अब आपकी आंखों में जब तक ये काजल लगा रहेगा तब तक आप किसी को भी दिखाई नहीं देंगे, चाहे देवता ही क्यों ना हो।
अब यहाँ पे कठिनी वाली कठिन चीज़ें क्या हैं? देखिए, पहली बात तो खोपड़ी का मिलना आपके लिए, जैसे इन्होंने बताया कि अदृश्य यंत्र। अब अदृश्य यंत्र नाम जैसी चीज़ मैंने अभी तक नहीं सुनी है, लेकिन होता होगा शायद, उन्होंने जिसने लिखा एक बुक उस जहाँ से इन्होंने नोट किया होगा। पर मैं यहाँ पर जो खोपड़ी की बात बता रहा हूँ ये वास्तव बात है, और पांच खोपड़ियाँ आपको पांच तांत्रिकों की होनी चाहिए जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष या उससे अधिक भगवान शिव या माँ काली की आराधना भी की हो। उन्हीं पांच खोपड़ियों को लाना है जो सबसे कठिन काम पड़ता है, वरना इस प्रयोग को स्वयं मैं भी करके देख सकता था, मुझे ऐसी पांच खोपड़ियाँ कहीं नहीं मिली। तो इन पांच खोपड़ियों को रखने के बाद उसमें आपने, मैंने बताया जैसे कि आग है, सेमल है, कपास है, रेशम है और कमलनाल, इन पांचों की बत्ती बना लेनी है। उसी में जो है तेल भरकर, और तेल भी किसका, मनुष्य की चर्बी का तेल। सोचिए मनुष्य की लाश ही मिलना मुश्किल है, मनुष्य की लाश से चर्बी से जो तेल निकाला जाए उस तेल का ही पारण करना है। और ये मंत्र भी आपका पहले 1 लाख जाप करके आपने सिद्ध कर लिया हो कम से कम। कहीं कहीं ये वर्णन 10 लाख का आता है कि 10 लाख मंत्र जाप कर लिया गया हो उसके बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से करते हैं तो फिर आप जो है गायब हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से गायब होने की विधि सही है, लेकिन इस तरह की स्थितियों को पैदा करना और बनाना काफ़ी कठिन होता है, इसलिए ये साधनाएं काफ़ी काफ़ी कठिन होती है। जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं। दूसरी बात, माँ के भयानक रूपों का सामना आपने इसमें करना होता है, गुप्त योगनियों की प्रकटीकरण होता है इसमें, और ये जो पांच गुप्त योगनियाँ हैं वो पाँच खोपड़ियों से निकलती हैं। ये उन साधकों की सिद्धि शक्ति होती है जिन्होंने तपस्या और साधना की है, उन्हीं की पाँच खोपड़ियाँ इसमें ली जाती हैं। तो एक बहुत ही दूसरी बात ये भी है कि वो स्वेच्छा से मरे हों, ऐसा ना हो कि किसी दुर्घटना में मर गए हों या इस तरह की चीज़ें हों, तो ऐसी भी खोपड़ियाँ आपको नहीं लेनी होती हैं। ये जो खोपड़ी होती है वो आपको लेनी है सिद्ध साधक की, जो पूरी ज़िंदगी इसने जाप किया है और उसके बाद स्वतः वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके बाद उसकी खोपड़ी जब आप जला, जब लाश जल रही हो तब किसी समय किसी प्रकार से निकाल ली गई। पुराने ज़माने में इस तरह से निकाला जाता था। तो ये इकट्ठा करके जब की जाती है साधना तो ये निश्चित रूप से सफल होती है, और ये अत्यंत ही गोपनीय प्रयोग है। दूसरा, इसमें भयानक अनुभव होता है, बहुत ही खतरनाक स्वरूप माँ का प्रकट होता है। माँ भगवती की पांच योगनियाँ प्रकट होती हैं, उन पांचों योगनियों का आपका सामना करना होता है, और उनको जब सामना आप कर लेते हो तभी वो आपके शरीर के अंदर समाती हैं, तभी आपके अंदर गायब होने की विद्या आपको प्राप्त होती है। इसलिए अगर कोई कहता है ये साधना सरल है, ये साधना बिल्कुल भी सरल नहीं, बहुत ज़्यादा कठिन है, और ये कर लेने के बाद में ज़्यादातर व्यक्ति दुनिया से कट ही जाता है, पूरी तरह से अलग हो जाता है, तभी उसकी सिद्धि बनी रहेगी, नहीं तो आदमी बहुत ज़्यादा गलत कर्म करने लगेगा। इस तरह की सिद्धियों से आदमी बहुत ज़्यादा गलत कर्म करने के बारे में सोचने लगता है, सबसे ज़्यादा जो है काम भावना से व्यक्ति ग्रसित होता है तो वो गलत प्रयोग करता है, अदृश्य रूप में जा कर के कुछ भी गलत सोच सकता है, इसके अलावा किसी का धन चुरा सकता है, किसी के साथ बुरा कर सकता है। इसलिए इसका सिद्धि का प्रयोग ज़्यादातर नुकसान करने के लिए ज़्यादातर लोग करते हैं, इसलिए ये साधना जल्दी सिद्ध नहीं होती, और बहुत ही भयानक शक्तियों से और भयानक योगनियों से, गुप्त योगनियाँ जो हैं उनसे सामना करने के बाद ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये थी जानकारी इन्होंने बताई अपनी तरफ से, इन्होंने बहुत अच्छा बताया है, लेकिन बहुत सारी इसमें कमियाँ थी जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्रमाणिक है और ग्रंथों में वर्णित है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर आपको ये चीज़ें उपलब्ध हों तो अवश्य ही कीजिए, एक अच्छे गुरु के माध्यम से कीजिए, और आपके अंदर इतनी अधिक ऊर्जा अवश्य होनी चाहिए कि आप स्वयं माँ की उन पांच गुप्त महाशक्तिशाली योगिनियों का सामना भी कर सकें, तभी आपको ये सिद्धि प्राप्त होगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।